ये लाइट को मैं ऑफ कर दूं क्या? इस लाइट को मैं ऑफ कर दूं? मैंने भी लाइट को ऑफ कर दिया है और अब मैं चाहता हूँ कि अब कम्युनिकेशन शायद और बेटर हो। आपको पता है आपके काफी सारे फैंस आज कितने उदास हैं, आपके चाहने वाले आज कितने उदास हैं। जिस जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ, गौरव जी हमेशा मुझे कहते थे कि उन्हें ये प्लेस बहुत पसंद आता है। ना तो वो बहुत ज़्यादा आउट गोइंग किस्म के इंसान थे, ना बहुत जल्दी किसी से वो घुलते मिलते थे। अपने ऑफिस का काम करने के बाद अपनी फैमिली के साथ वो कई बार यहाँ आए हैं। उन्होंने बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे अपना निकाला है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो मैंने दुनिया ने शायद उन्हें डांस करते हुए कभी नहीं देखा है। मैं आज ऐसे कुछ क्लिपिंग्स भी डालूंगा थोड़ी सी, जिसमें आपको नज़र आ जाएगा कि हाँ वो यहाँ पे कितना एंजॉय करते थे। मेरे से कई बार ऐसा सवाल होता है कि हाउ यू आर श्योर दैट इट्स गौरव तिवारी एंड व्हाई ही इज हियर। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहें होंगे, ऐसे प्लेसेस होंगे जिससे वो आज भी किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड होंगे। उनमें से एक जगह ये भी है, एक ये सबसे बड़ा रीज़न है। मैरी क्रिसमस। जीटी सर मैरी क्रिसमस। जुलाई में मैं कुछ DSLR से फिल्मिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, तो उसके लिए मैंने कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स मंगवाए थे बाहर से। और जस्ट मैं प्रैक्टिस कर रहा था कि एक नॉर्मल से कैमरे से सिनेमैटिक इफेक्ट कैसे देते हैं, तो वो मैंने इसी जगह पे किया था। इसकी भी वीडियो अब आप देखेंगे। लेकिन उस वक्त मुझे ये नहीं पता था, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैंने जो पहला सिनेमैटिक इफेक्ट डाला अपने किसी वीडियो में, कहीं ना कहीं वो जा कर के एक तरीके से वो पैरानॉर्मल की तरफ ही जाता है। जो म्यूज़िक मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक डाला और जिस तरह का मैंने वो क्रिएट किया था लाइट्स वगैरह, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि एक साल के बाद वाकई में ये जगह शायद इतनी एक्टिव हो जाएगी। खैर, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है या कोई बुरी बात नहीं है। अगर किसी का प्रेजेंस है तो ज़रूरी नहीं कि वो हर वक्त वो प्रेजेंस ख़राब ही होता है जैसा लोग सोचते हैं। मैं आज ऐसे कुछ क्लिपिंग्स भी डालूंगा थोड़ी सी, जिसमें आपको नज़र आ जाएगा कि हाँ वो यहाँ पे कितना एंजॉय करते थे।
मेरे से कई बार ऐसा सवाल होता है कि हाउ यू आर श्योर दैट इट्स गौरव तिवारी एंड व्हाई ही इज हियर। वो इसलिए क्योंकि बहुत ऐसी जगह, बहुत सारी ऐसी जगहें होंगे, ऐसे प्लेसेस होंगे जिससे वो आज भी किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड होंगे। उनमें से एक जगह ये भी है, एक ये सबसे बड़ा रीज़न है। जीटी सर मैरी क्रिसमस। जुलाई में मैं कुछ DSLR से फिल्मिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, तो उसके लिए मैंने कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स मंगवाए थे बाहर से। और जस्ट मैं प्रैक्टिस कर रहा था कि एक नॉर्मल से कैमरे से सिनेमैटिक इफेक्ट कैसे देते हैं, तो वो मैंने इसी जगह पे किया था। इसकी भी वीडियो अब आप देखेंगे। ये 7 जुलाई की वीडियो नहीं है, ये उससे पहले की वीडियो है। इस मेथड को मैं कहता हूँ पुल बैक, इमोशनल पुल बैक। आप खुद देखिएगा कि टीवी पर एक शो चल रहा है जो कि गौरव जी ने कभी किया था आज तक का, और सबसे हिट शो था वो। उसके कुछ उसमें फुटेजेस हैं, उस पर क्वेश्चंस गौरव जी ही पूछ रहे हैं, लेकिन आप ये देखिएगा कि रिस्पॉन्स हमारे इक्विपमेंट से आ रहा है। ऐसा क्यों है? पास से ये पुल बैक है क्योंकि वो ये कर चुके हैं। और आपने सुना होगा कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब आप लोग अकेले में हो, वीरान में हो, तो भूत प्रेत की बातें मत करो, या यहाँ कुछ हुआ है तो उसकी बातें मत करो, डिस्कशन मत करो। कई हद तक वो सही होते हैं क्योंकि इससे पुल बैक होता है एक तरह का, और ये लोग कई बार लोग कर लेते हैं ये जाने अनजाने में कि कहीं कुछ गलत हो चुका है, और वो डिस्कस उन्होंने करना शुरू कर दिया और शायद उनको फिर कुछ एहसास होने लगता है कि कुछ वैसा हो रहा है। काफ़ी हद तक ये बात सही भी है। तो ये मैंने किया था और इसका रिजल्ट आप खुद देखेंगे। जिंदगी से ज्यादा वो मौत का सच जानना चाहता था। मौत के बाद की सच्चाई पता लगाना चाहता था। मुर्दों को ढूंढना उसका शौक था। किसी भी आत्मा में किसी भी शक्ति से बात करने आया। मुर्दों से बात करना उसका शौक। अगर आप किसी शक्ति को, तो क्या हमारे सामने वाले पत्तों को आप गोल से ला सकते हैं? आपको हमसे घबराने की जरूरत नहीं, हमसे शर्माइए भी मत। आप आके हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम सिर्फ आपसे बातचीत करने आए। कभी किसी सुनसान हवेली में, कभी खंडहर में, कभी कब्रिस्तान में, तो कभी किसी सुनसान बियाबान में, यहाँ तक कि मुर्दा घर के अंदर थे, मुर्दों के साथ लेट ये उनका सच जानता, उनसे बातें किया करता। क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? हाँ। अफसोस, वही गौरव तिवारी अपनी ही मौत को पहेली बना गया, और इस बार इस पहेली को सुलझाने की जिम्मेदारी खुद की बजाय दिल्ली पुलिस के जिम्मे छोड़ गया। जी, 35 साल का ये नौजवान गौरव तिवारी है, वही गौरव तिवारी
जो अमेरिका से प्रोफेशनल पायलट की ट्रेनिंग बीच में छोड़कर हिंदुस्तान लौट आया और यहाँ आकर जिसने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का गठन किया और फिर लग गया जिंदगी के बाद। दो वर्ड में बोलना चाहूंगा गौरव जी के बारे में कि उनके जैसा इन्वेस्टिगेटर ना कोई था हमारे हिसाब से जितना मैं जानता हूँ, और शायद आने वाले टाइम में भी बहुत मुश्किल है कि हमें कोई उस तरह का इन्वेस्टिगेटर मिले। कॉन्शियसनेस के ऊपर उन्होंने 2012 में कुछ बताया था कॉन्शियसनेस, बट मैं हैरान हो जाता हूँ कि इन बातों को जब मैं देखता हूँ कि लंदन ब्रिटेन के न्यूज़पेपर्स 2016 में या 2015 में पब्लिश कर रहे हैं कि साइंटिस्ट्स हैव नाउ फाउंड द प्रूफ ऑफ कॉन्शियसनेस। मैं इस बात से भी नाराज़ हूँ कि गौरव तिवारी जी को बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने की उसका क्रेडिट नहीं मिला, ना मीडिया से मिला ना इस दुनिया से मिला। मैं इस बात के लिए काफ़ी नाराज़ भी हूँ। खैर, मैं क्या इसमें कर सकता हूँ। मैं तो ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनके नाम को लेकर के चलूँ और जो उन्होंने काम इंडिया में शुरू किया था उसे मैं आगे लेकर के चलूँ अपने लेवल पे जितना मैं कर पाता हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ।